नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हाईकोर्ट ने हमारी अपील ना मंजूर कर दी तो क्या हुआ? हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति तक जाएंगे। लेकिन इस दरिंदे नईम भट्ट को मैं जेल में नहीं फांसी के तख्त पर देखना चाहता हूं, जिसने मेरी शौविक जी मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं। देखिए, ये तभी पॉसिबल है जब सुप्रीम कोर्ट हमारे केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में काउंट कर ले। इसलिए तो मैं कल सेंट्रल जेल जा रहा हूं। हमें कोर्ट में इतना साबित करना है कि नईम भट्ट को अपने किए का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। जेल अथॉरिटीज और वहां के कैदियों से मैं सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूंगा। यू डोंट वरी, नईम भट्ट जेल से सीधा फांसी के तख्ते पर जाएगा। जी साहब। उमेश, कल एक लॉयर आ रहा है, उसे कैदी नंबर 52 नईम भट्ट, उसकी डिटेल चाहिए, देख लें आप। कैदी नंबर 52? ध्यान नहीं आ रहा है। मैं कैदी नंबर 52? वो तो पैरोल पे है, 6 महीने से। क्या पैरोल पे है 6 महीने से? ये कैसे हो सकता है? जाओ पैरोल रजिस्टर लेके आओ। जी साहब। दिसंबर 2018 पेरोल पे? कैसे हो सकता है ये? अब क्या करें साहब? क्या कमिन सर? आओ खड़ा हो। क्या है सर? जैन, मैं तुम्हारा एक केस स्टडी कर रहा था। तुम्हारा पुराना केस फिर से रीओपन करने की नौबत आ गई है। कौन सा केस सर? ये उस वक्त का केस है जब तुम पीएसआई हुआ करते थे। ये भट्ट बहुत शातिर मुजरिम है सर। अगर इसके इस तरह फरार होने की खबर बाहर आई तो डिपार्टमेंट की काफी बदनामी हो सकती है। इट्स अ वेरी डेलिकेट मैटर और ये केस तुमसे बेहतर कोई हैंडल नहीं कर सकता। ये भट्ट कश्मीर का रहने वाला था, आई थिंक ये भागकर वहीं गया होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन अगर उसे जरा भी भनक लगी कि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो बॉर्डर पार करके उस पार चला जा सकता है। और अगर उसने ऐसा किया तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी और एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा। राइट। और कश्मीर की हालत तो तुम्हें पता है। फिर भी हमने पिछले हफ्ते लोकल पुलिस की मदद से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और उसमें तुम्हारा जूनियर अमर दीक्षित भी शामिल था। अमर, मैं भी तुम्हारे उस कश्मीर वाली केस के बारे में बात कर रहा था। Will you please brief him? Yes, sir. Sir, तकरीबन एक हफ्ते पहले हमने लोकल पुलिस की इंफॉर्मेशन से एक घर पे रेड किया था। उतरो जल्दी। कौन सा घर है? ये वाला। तुम लोग यही रुको, मैं आगे जाता हूँ, मुझे बैकअप देना। शायद यूनिफॉर्म में रेड करना गलत मूव था। हम एक और गलत मूव अफोर्ड नहीं कर सकते और ज्यादा दिन तक पैरोल से फरार कैदी की खबर को दबा भी नहीं सकते। अगर हमने क्विक रिजल्ट्स नहीं दिए तो ये केस सेंट्रल एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी सर, मैं अभी इसी वक्त इस केस पर लग जाता हूँ। बट सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोलो। इस मिशन के लिए टीम मैच। ओके, थैंक यू सर। और सर, एक रिक्वेस्ट और, मुझे इस केस में फ्री हैंड चाहिए। ओके, आई फुल्ली सपोर्ट यू। लेकिन एक बात है, just see to it कि भट्ट बॉर्डर पार न कर पाए। आई वॉन्ट हिम बिहाइंड द बार्स एट एनी कॉस्ट। क्राइम पेट्रोल का हमेशा से यही मकसद रहा है कि लोगों में अपराध के खिलाफ सतर्कता बढ़े। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो ना सिर्फ जनता के लिए बल्कि कानून और व्यवस्था के लिए भी सबक बन जाते हैं। आज का ये केस उन गिने चुने केसेस में से एक है जिसने सरकार को कई सालों से चले आ रहे दो कानूनी प्रावधानों में बदलाव लाने पर मजबूर कर दिया। नियम कानून में मौजूद उन खामियों को उजागर किया जिनका फायदा उठाकर शातिर खिलाड़ी कानून से लुका छिपी का खेल खेलते थे। मिस्टर मेहता, सेटलमेंट करना ही सही रहेगा। मैं सामने वाली पार्टी से कह करके 15 लाख तक का कंपनसेशन करवा सकती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ओके। हाय मिस पायल। आप कौन? जी मैं वो हूँ जिनसे आप यहाँ मिलने आई हैं। अभिजीत। राइट। नाइस मीटिंग यू।
तो क्या फैसला किया आपके क्लाइंट ने कंपनसेशन के बारे में? देखिए कंपनसेशन में जो है आपको 20 लाख, मेरे क्लाइंट कंपनसेशन में 20 लाख देने को तैयार है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, क्यों मिस्टर मेहता? ओके भाई, हाथ में लाइए। मिस्टर मेहता, एग्रीमेंट के कुछ टर्म्स हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए और इसके लास्ट पेज में आपका साइन चाहिए होगा। पिछले 6 महीने से इस नईम भट्ट को किसी ने नहीं देखा, तो पूरे चांसेस हैं कि इसने अपना नाम हुलिया सब कुछ बदल लिया होगा। बहुत शातिर, ऐसे शातिर मुजरिम मैंने अपने करियर में बहुत कम देखे हैं, जिन्हें ना सजा का खौफ है ना गुनाह का पछतावा। पर ऐसा शातिर मुजरिम पैरोल जंप करके बाहर आजाद घूम रहा है, ये सोचकर ही मुझे गुस्सा आता। सर, ये नईम भट्ट जिस जेल में बंद था वहां से इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्या? क्योंकि उस जेल में कोई तो ऐसा होगा जो इसका दोस्त बना होगा। आपका होगा, क्योंकि नईम भट्ट दोस्त बनाने में माहिर है। मिस पायल, हैप्पी, आपकी सोच से ज्यादा कंपनसेशन दिलवाया मैंने। लेकिन क्यों, अपने क्लाइंट का नुकसान क्यों? केस तो आपका भी स्ट्रांग था। लेकिन क्या है, सच आपके साथ था और क्लाइंट से ज्यादा सच की फिक्र करने की आदत है मेरी। वाओ, इंप्रेसिव। ठीक है, मिलते हैं कभी। कल मिले कॉफी पे अगर आप फ्री है तो। सो फास्ट? नहीं, इफ यू डोंट वांट, हम कभी भी, आप जब आप फ्री हो तो, ऐसा जब आप। नो नो, आई लाइक इट। मिलते हैं कल। श्योर साहब, मैं मानता हूँ कि मैं और भट्ट एक ही सेल में एक साल से थे। हाँ, थोड़ी बहुत दोस्ती थी उससे, पर वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। अच्छा, कभी बातचीत में उसने बताया कि पैरोल पर छूटने के बाद वो कहाँ जाएगा? कश्मीर जाएगा या कहीं और? वादियों में जाने की बात वो अक्सर करता था। हाँ साहब, एक आध बार उसने बताया था कि उसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं उस पार। तुम भी सेंट पीटर कॉलेज से पढ़े हो, मुझे तो कभी कॉलेज में दिखे ही नहीं तुम। तो क्या है ना, क्लास में कम, अपनी गर्लफ्रेंड के ख्यालों में जाता रहता था। क्या नाम था बताओ ना। तुम्हें क्या बताऊं, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताया आज तक। अच्छा, मतलब दैट साइलेंट लवर टाइप, तुम फट्टू हो क्या? जाओ, जाके प्रपोज करो। पक्का? पक्का, आज तो प्रपोज करना ही पड़ेगा। तो लॉयर पायल, मेरे दिल का केस तुम्हारी प्यार की अदालत में रख रहा हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ उम्र कैद की सजा सुना दो। सर, ये नईम भट्ट कठुआ का रहने वाला है और इसके कुछ रिलेटिव्स पुंछ के आसपास के एरिया में भी हैं, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक है। लोकल पुलिस से बात की है मैंने सर, पर मुझे लगता नहीं कि वो लोग कुछ ज्यादा मदद करेंगे। पिछली बार हम लोग गए थे तो लोकल लोगों ने पथराव किया था। इससे कुछ बातें साफ, नईम भट्ट का नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, इसलिए उसे तुम लोगों के आने की खबर पहले से मिल गई। और दूसरी ये कि वहां के लोकल लोग नईम भट्ट को बेगुनाह समझते हैं, इसलिए उन लोगों ने पथराव किया। तो इस नईम भट्ट को हम पकड़ेंगे कैसे? पकड़ेंगे, और जरूर पकड़ेंगे। भेड़ों के झुंड में घुसने के लिए अगर भेड़ बनना पड़ा तो बनेंगे, पर पूरी तैयारी के साथ। हसन मेहंदी, तुसी जलंधर से हो? हाँ जी। ठीक है, नौकरी पे रख रहा हूँ, कल किसी सोसाइटी में ड्यूटी फिक्स करता हूँ तेरी। ठीक है, शुक्रिया पाजी। चलो, कोई बात। तो क्या चुनाव? मैं चुनाव असलम। बोल सही और बात को गुलफाम साहब, आपने इतने कम वक्त में हम सबको इतनी अच्छी कश्मीरी सिखा दी, बहुत शुक्रिया। तब गुलफाम साहब, अब इनके जबान का मसला तो हल हो गया, जबान से कश्मीरी बन गए, अब मसला है लिबास का, लिबास का भी इंतजाम करना है। आज ऑफिस में जाओ। सॉरी पायल, पर मुझे तो जाना पड़ेगा ना। क्या है कि दुबई का प्लान तुम्हारा पोस्टपोन हुआ है, मेरा नहीं। मेरा तो ऑफिस चालू है ना, और क्लाइंट को क्या बोल के मना करूँ यार। लॉयर साहब, आप हमारे लिए झूठ नहीं बोल सकते। हाँ मैडम, लॉयर हूँ, लायर नहीं। और तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी जो छोटी बहन निशा, जिसके एग्जाम के वजह से हमारी शादी मार्च में ना होके दिसंबर में हो रही, तो अगर हमारी शादी अभी तक हो चुकी होती तो हम दुबई में सेटल हो चुके होते और हनीमून की तैयारी कर रहे होते। नहीं तो थैंक्स टू योर बहन, बाय बाय, सी यू। बाय। यार
इसमें आप लोगों का कश्मीरी नाम, पते और हर तफसील मौजूद है। इसमें जो भी तफसील है उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि पूरे मिशन के दौरान हम में से कोई भी एक दूसरे को उसके असली नाम से नहीं बुलाएगा। आज से हम जो भी हैं वही हैं जो इस लिफाफे में, और अगर कोई ज़रूरी बात करनी है तो हम एक दूसरे को गुलफाम साहब के ज़रिए पैगाम भिजवाएंगे। सर, गुलफाम साहब, आप कश्मीर में अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव कर रहे हैं ना? जी जनाब। तो बस तैयार हैं हम लोग जन्नत के सफ़र के लिए, और जन्नत में छुपे उस शैतान को पकड़ कर यहाँ लाने के लिए, वो भी जल्द से जल्द। इससे पहले कि वह शैतान किसी और मासूम को अपना निशाना बनाए, हमें गर्दन से घसीट कर उसे यहाँ लाना है। जवान इंडिपेंडेंट लड़की की उसके अपने ही घर में हत्या कर दी गई थी। सुबह की पहली किरण आते ही पूरा शहर दहशत से कांप उठने वाला था। पढ़ाई या नौकरी के लिए अकेले रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा एक चर्चा का विषय बनने वाली थी। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि एक पॉश सोसाइटी में अपने घर की चार दीवारी में अगर कोई महफूज नहीं है तो फिर वो कहां है? हेलो बेटा, बोल। पायल को किसी ने मार दिया। की बोल जी? Thank you.
अभिजीत। अभिजीत सर। आप? सर मैं विवेक हूँ सर, पायल और अभिजीत का म्यूचुअल फ्रेंड। जब आप घर में दाखिल हुए तो आपने क्या देखा? जब मैं घर में आया तो चाबी रखी, किचन में पानी पिया, कमरे में गया तो पायल 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 कुछ नहीं होगा, हेल्प हेल्प पायल कुछ हेल्प हेल्प पायल 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 कुछ नहीं होगा तुम्हें, हेल्प हेल्प। पड़ोसी के पास भी गया सर मदद मांगने पर कोई 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 नहीं आया। उसके बाद मैंने माँ को कॉल किया, फिर विवेक को और फिर आप आपको। इतनी सुबह आप कहाँ से आ रहे थे? ऑफिस से। आप हर रोज ऑफिस से इतने लेट आते हैं? काम था केस को लेकर। आपके पायल से आखिरी बार कब बात हुई थी? हेलो। आसपास सब जगह लाइट है, बस हमारे यहाँ लाइट नहीं है। तुम प्लीज आ जाओ ना। यार बेबी अभी तो नहीं आ पाऊंगा, 2 घंटे लगेंगे। तुम एक काम करो, तुम वॉचमैन को बोल दो, इलेक्ट्रिशियन बुला देगा कोई। अच्छा मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें बाद में, ठीक है? ओके बाय। तो वो कॉल थी रात को 12:15 पर। ये पायल की आखिरी कॉल थी? एक और कॉल आया था सर आधे घंटे बाद। दोबारा लाइट चली गई थी? हाँ, इलेक्ट्रिशियन का कहना था कि वायरिंग का इशू है, इसलिए बार बार MCB ट्रिप हो रहा था। अभी तो लाइट है। अच्छा सुनो ना, तुम कब तक आ रहे हो? जल्दी आ जाओ ना प्लीज। ओके बाबा, कोशिश करता हूँ। और कोशिश करके आप कितने बजे तक घर पहुँचे? 4 बजे के आसपास। सर मैं पायल और अभिजीत का पड़ोसी हूँ और इस सोसाइटी का सेक्रेटरी भी। सर रात को ना तो मेरे घर की लाइट गई और ना ही किसी सोसाइटी मेंबर के घर की। हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी चेक की, वहाँ से भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। सर पायल बहुत अच्छी लड़की थी, मुझे यकीन नहीं होता कि हमारी सोसाइटी में भी ये सब हो सकता है। अच्छा ये पायल और इसके पति के रिश्ते कैसे थे? सर इन दोनों के रिश्ते तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अभिजीत और पायल ने अभी शादी नहीं की थी, दोनों लिविंग में रहते थे। हाँ सर हम लोगों ने शादी नहीं की थी, लिविंग में रह रहे थे। अभिजीत घर में किसी भी तरह के फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं। अब एक बात साफ, घर में जो भी दाखिल हुआ उसके लिए या तो पायल ने दरवाज़ा खोला या फिर उसके पास घर की चाबी पहले से मौजूद। आपके और पायल के अलावा घर की चाबी किसी और के पास रहती थी? मेरे पास और एक पायल के पास। लेकिन घर में तो हमें एक ही चाबी मिली, दूसरी चाबी कहाँ? दूसरी चाबी जहाँ भी है हम पता लगा लेंगे, अगर वो घर में हुई तो ढूंढ ही लेंगे। वैसे दूसरी चाबी घर में ही है ना? आप ये बताइए आपने घर पर आने के बाद किन किन चीज़ों को टच किया? फ्रिज, बॉटल, ग्लास, इनके अलावा किन किन चीज़ों को? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अब अकेले इतना तो जानती होंगे ना कि क्राइम सीन को टेंपर नहीं करते, टेंपर करते क्रिमिनल, पर आपने टेंपर किया, चीज़ों को छू क्यों? अच्छा आप बता रहे थे कि आप ऑफिस में देर रात तक काम कर रहे थे, राइट? किसी ने देखा होगा आपको? कोई गवाह, कोई विटनेस, कोई है? वॉचमैन ने देखा होगा शायद। जिस क्लाइंट के केस पर आप काम कर रहे थे उस क्लाइंट का नाम तो याद होगा आपको? क्लाइंट का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर? सर प्लीज डोंट माइंड सर आई थिंक उसको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है सर। आई मीन उसकी हालत देखिए सर। अभी जो लाश गई है यहाँ से उसकी हालत देखिए आप, खून से लथपथ लाश यहाँ से गई है। अब खून किसने किया ये पता करना हमारी ड्यूटी है। क्लाइंट का नाम, नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब दीजिए। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, हो सकता है अभिजीत शादी ना करना चाहते, लेकिन पायल मान ना रही, वो शादी करना चाहती है। सर अभिजीत खुद वकील, फिर भी उसने क्राइम सीन पे जगह जगह चीज़ों को टच किया। अब ये सब उसने जानबूझ के किया या उस अनजाने में हुआ, ये कुछ समझ नहीं आ रहा सर। पॉली कार्ड निकलवाओ वकील साहब को, और बिल्डिंग का CCTV अरेंज हो। जी सर।
12:21 पे ये गार्ड के साथ कोई आ रहा है, शायद ये इलेक्ट्रिशियन, लेकिन चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। गार्ड के साथ फिर से वही शख्स, लेकिन इस बार भी चेहरा नजर नहीं आ रहा, कौन है ये? सर इलेक्ट्रिशियन लगता है, क्योंकि 2-3 इलेक्ट्रिशियन बिल्डिंग में आते रहते हैं, लेकिन ये कौन है ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन सारे इलेक्ट्रिशियन पास की बस्ती में रहते हैं। जरा गार्ड को बुलाइए, उसको बताओगे। सर वो तो नाइट शिफ्ट में था, अभी घर गया है। ये सेकंड फ्लोर का कमरा, इसकी फुटेज प्ले क्यों नहीं हो रही? समझ नहीं आ रहा सर, इसे क्या हो गया? पिछले हफ्ते तो सारे कैमरे चेक करके गया था आदमी, लगता है फिर खराब हो गया। शायद खराब हुआ नहीं है, खराब किया गया। जितने भी इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे आते हैं सबका एड्रेस दीजिए और मुझे पूरी रात की फुटेज चाहिए। जी सर। नहीं सर, मैंने गया था कल रात को। सच बोल रहा है ना? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ साहब, मैं जीवन ज्योति बिल्डिंग में जाता हूँ इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए, लेकिन कल रात को नहीं गया मैं। हाँ सर, कल 2 बार गया था जीवन ज्योति सोसाइटी, और 203 वाली मैडम के घर की लाइट चली गई थी। यहाँ से सब ठीक है मैडम, मैं नीचे एक बार मेन स्विच देख के आता हूँ। 203 ना? अरे यार ये MCB ड्रिप हुआ है यार, लाइट आ गया ना मैडम? हाँ भैया। अरे मैडम वो कुछ था नहीं, मेन स्विच का MCB ट्रिप हो गया था, तो अभी ठीक कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके थैंक यू। लेकिन आधे घंटे बाद गार्ड का फिर से फोन आया, तो जाके देखा तो MCB ट्रिप हुई थी, उसको ठीक किया और फिर मैडम को बताया। आप एक काम करो, कल तक के लिए ना AC और गीजर मत चलाना, कल आके मैं पूरी वायरिंग चेक कर लेता हूँ। ठीक है? ठीक है भैया। ठीक, फिर मैं घर आ गया सर। तेरी उंगली पे क्या हुआ? सब चोट लग गई थी। कब? कल। कैसे? सब भाजी काटते समय। जब तुम बिल्डिंग से बाहर आए थे तो निकलते हुए किसने देखा था? हाँ साहब, वो देखा था ना, गार्ड अहमद ने देखा था। सब उसके पास मेरा 500 रुपया उधार है साहब, दे नहीं रहा है, आप लोग बोल देंगे तो दे देगा साहब वो। देख, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुमने कुछ झूठ बोला था या छुपाया था, तो एक बात याद रखना, मैं बत्ती गुल नहीं करूँगा, पूरा फ्यूज उड़ा दूंगा, शहर छोड़ के कहीं मत जाना, समझ गए? सोसाइटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, हो सकता है CCTV इसने खराब किया, कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ इसका। हाँ बोलो विवेक। अरे पुलिस अभिषेक को पुलिस स्टेशन लेके गई पूछताछ करने के लिए। क्या? तो वकील साहब, प्लानिंग तो बड़ी तगड़ी की, पहले देर रात तक ऑफिस में रुकने का बहाना किया, फिर चुपके से आके पायल का मर्डर किया, उसके बाद माँ को फोन किया, दोस्त को फोन किया, और उसके बाद बुलाया हमें। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? पायल जिंदगी थी मेरी, मैं क्यों मारूंगा उसे? यही पूछने के लिए तो बुलाया कि क्यों मारा उसे, और ये एक्टिंग मत करो, एक्टर नहीं वकील, फिर भी क्राइम सीन को जानबूझकर टेंपर किया, क्यों? सर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, जब पायल के साथ ये सब हो रहा था तो मैं ऑफिस में था, आप ऑफिस का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ कि आप ऑफिस में ही होंगे, ये मेंशन होगा वहां। वकील जो तगड़ी प्लानिंग तो की होगी। घर कितने बजे पहुंचे? सर कितनी बार बोल चुका हूं मैं आपसे, 4 बजे के आसपास। तो 4 बजे के आसपास जब आप अपने घर पहुंचे तो एंट्रेंस पे जो CCTV कैमरा लगा हुआ है तो उसमें आपकी गाड़ी आते हुए नजर क्यों नहीं आ रही? गेट नंबर 2 से आए। एग्जैक्टली, 2 नंबर गेट से। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता था कि 2 नंबर का CCTV खराब है। मुझे कैसे पता होगा सर? कोइंसिडेंस हो सकता है। कोइंसिडेंस? जिस गेट से आप एंटर हुए वहाँ का CCTV खराब, जिस लॉबी में गए वहाँ का CCTV खराब, जिस फ्लोर पे आप रहते हो वहाँ का CCTV खराब,
और बाकी बिल्डिंग के तमाम सीसीटीवी चल रहे हैं। वकील साहब, इसे कोइंसिडेंस नहीं, इसे कहते हैं प्लानिंग। कैसे समझाऊं सर आपको, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। सर, पायल की बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड अमजद पठान फरार है। जिस सिक्योरिटी एजेंसी ने अहमद पठान को हायर किया था, वहां से उसकी पूरी डिटेल्स निकलो। एड्रेस है लाल चौक कश्मीर। बस कोई एड्रेस प्रूफ नहीं लिया, ऐसी जॉब पर रख लिया। कौन है अहमद पठान? मैं किसी अहमद पठान को नहीं जानता। आप बाहर क्यों है सर? अहमद पठान एक साल से तुम्हारी बिल्डिंग का वॉचमैन था और तुम्हें याद नहीं? हाँ सॉरी, आपने अचानक पूछा तो दिमाग से निकल गया था। और अब अचानक पड़ा तो दिमाग में आ गया है ना। अहमद पठान एक साल से तुम्हारी गाड़ी साफ कर रहा था, तुम्हारी इससे कभी बात नहीं हुई? अब कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। हमने जो बोलना था बोल चुके हैं, अब साफ साफ तुम बताओ कि अहमद पठान को कितने पैसे दिए पायल को मारने के लिए? तुम्हारे और पायल के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही थी? सर आप क्या बोल रहे हैं, अगर आप मेरा दुख कम नहीं कर सकते कम से कम उसे बढ़ाइए मत। दुख या पछतावा होता है, होता है। जब कोई पहला जुर्म करता है तो उसे बहुत पछतावा होता है, उसका ज़मीर उसे बहुत कोसता है, जैसे तुम्हारा ज़मीर इस वक्त तुम्हें कोस रहा है। लेकिन इसका एक इलाज है, अगर जुर्म करने वाला अपना जुर्म कबूल कर ले तो उसे सुकून मिलता है, राहत मिलती है। अगर तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लोगे तो तुम्हें भी राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। क्या हो गया भाई? मार्च में शादी दी तब तो मेरे एग्जाम्स होंगे ना। लेकिन निशा, अगर मार्च में शादी नहीं हुई तो उसके बाद सीधे दिसंबर का मुहूर्त है और पायल हमारा दुबई सेटल होने का प्लान पूरा पोस्टपोन हो जाएगा। यार तुम काम में क्या लगे हो, अपनी बहन को समझाओ। तुम तो फिक्र मत करो, शादी से पहले तुम्हारा जो साथ रहने का प्लान है ना बहुत अच्छा है ना पापा? अहमद पठान, अभी तो सिर्फ तेरी टांगे तोड़ी, अगर सच नहीं बोलना तो पूरे जिस्म की हड्डी पसली एक कर देंगे। मारना है तो उसे मारो जनाब, जिसके कहने पर मैंने उस लौंडिया को मारा। किसके कहने पर? अभिजीत। पठान के बयान ने पायल और अभिजीत की लव स्टोरी को हेट स्टोरी का एंगल दे दिया था। क्या पठान सच बोल रहा था? क्या अभिजीत ही पायल की हत्या का मास्टरमाइंड था? अगर ये सच था तो ऐसा क्या हुआ था पायल और अभिजीत के बीच जो इस जुर्म का मकसद बना? और अगर पठान झूठ बोल रहा था तो क्या वजह थी पायल को इतनी बेरहमी से मारने की? और पठान क्यों अभिजीत को फंसाना चाहता था? दावे के साथ अभी कुछ भी कहना मुश्किल था, लेकिन जो दिखाई दे रहा था हकीकत उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। कई चौंका देने वाले खुलासे अभी होने बाकी थे। एक तरफ पायल की मौत की गुत्थी उलझती जा रही थी और वहीं दूसरी तरफ नईम भट्ट की तलाश में पुलिस कश्मीर की वादियों में भटक रही थी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, सब खैरियत? घर में सब ठीक है? देखो कैसा मौसम ठंडा हो गया। हाँ सर। और क्या खबर जनाब? नईम भट्ट का कुछ पता नहीं चला,
जनाब उसका एक चचेरा भाई भी है, यही रहता है पास में। नाम क्या? इरफान भट्ट। जनाब नईम भट्ट का खास जिगरा है इरफान भट्ट। दोनों आजकल आसपास नहीं दिखते, लेकिन इरफान भट्ट मुंह छुपा के फिरता है। अगर आप उससे पूछेंगे तो शायद वो कुछ बता दे नईम भट्ट के बारे में। इस इरफान को हम देख लेंगे, तुम अपना एंटीना नईम भट्ट के लिए ऑन रखो। वक्त कम है, कहीं ऐसा ना हो बॉर्डर पार करके उस तरफ चला जाए। इरफान की डिटेल दो। ये देखिए जनाब, ये इरफान भट्ट। जी जनाब। ये फोटो दूसरे साहब के मोबाइल में भेजो। ओके जी। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं आ जा विवेक। कहाँ जा रहा है बेटा तू? ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? अभी अभी तो आया तू ऑफिस से, 5 मिनट पहले। अच्छा हाँ सुनो मैं क्या बोलूँ बेटा। हाँ बेबी, आसपास सब जगह लाइट है, बस हमारे यहाँ लाइट नहीं है। तुम प्लीज आ जाओ ना। यार बेबी अभी तो नहीं आ पाऊंगा, 2 घंटे लगेंगे। तुम एक काम करो, तुम वॉचमैन को बोल दो, इलेक्ट्रिशियन बुला देगा कोई। आंटी ये रिपोर्ट आई है, डॉक्टर ने कहा है कि अभिजीत बहुत डिप्रेशन में है। पायल की डेथ का उसके ऊपर बहुत गहरा असर हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई तो बात है जो उसे अंदर अंदर खाई जा रही है और जिसे वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा। कहाँ गया था बेटा तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? फोन? हाँ मैं फोन लेकर गया था, शायद पार्क में रह गया होगा फोन। फोन कहाँ है मेरा? मेरा फोन यही कहीं पर। तू 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 फिकर मत कर। सुन बेटा तू चिंता मत कर, हम नया ऑर्डर कर लेंगे ठीक है। ये बता तू गया कहाँ था? ये लेने गया था माँ, बहुत दिन से पेंटिंग नहीं की तो सोचा पेंटिंग करूँ। वाह बहुत अच्छा, बना पेंटिंग बना। क्या हुआ अभिजीत को? कैसी तबीयत अब? मेरी बात हुई है अंकल डॉक्टर से अभी, उसे इन्फ्लेमेटरी ब्रेन डिसीज हुआ है, उसकी मेंटली हालत बहुत नाजुक है अंकल। उठो बेबी, ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? नहीं। कितने लेजी हो गए हो तुम? नहीं मुझे उठना है, नहीं तुमसे दूर जा। सुबह सुबह बहुत रोमांटिक हो गया। तुम मेरी लाइफ का वो ब्यूटीफुल ड्रीम जिसे मैं कभी भूलना नहीं चाहता। आई विल नेवर लीव। बेटा देख तेरे लिए चाइनीज लाए हैं। बेटा अभिजीत की मौत के 6 महीने बाद कोर्ट ने अहमद पठान को पायल की हत्या के लिए सजा सुनाई। ये बात साबित हो चुकी है कि अहमद पठान ने ही पायल की निर्दयता से हत्या की है, लेकिन अदालत प्रोसिक्यूटर की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि इस केस को रेयरस्ट ऑफ रेयर केस भी गिना जाए। अहमद पठान का जुर्म बेवजह नहीं था, क्योंकि उस रात पायल ने छोटे कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर अहमद प्रवोक्ड हुआ और उसने रेप अटेम्प्ट करके उसका मर्डर कर दिया। इस केस के लिए अकेले अहमद जिम्मेदार नहीं है, इसलिए अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है।
कोर्ट की टिप्पणी और फैसला लोगों को नागवार गुजरा और सेशन कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट पायल के परिवार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन फिर से जज द्वारा यही कमेंट किया गया कि लड़की ने शॉर्ट्स पहने थे जिससे प्रोवोक होकर मुजरिम ने रेप अटेम्प्ट किया और पायल की हत्या हुई। जज के कमेंट पर कई बुद्धिजीवियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कई अखबार और न्यूज चैनल्स पर यह मुद्दा बहस का विषय बना, पर कुछ ही दिनों बाद मानो सब इस केस को भूल गए। लेकिन ये केस अभी खत्म नहीं हुआ था, ये केस एक मिसाल बनने वाला था। इस केस में कुछ ऐसा होने वाला था जो सरकार को फिर से कानून में संशोधन के लिए मजबूर करने वाला था। अहमद पठान, तो तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम्हारे बारे में किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है जेल से, और तुम्हारा बर्ताव भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें पूरे 90 दिन का पेरोल ग्रांट करता हूँ। शुक्रिया जनाब। पेरोल मिलने के बाद से ही पठान फरार था। 90 दिनों की बजाय 180 दिन बीत चुके थे और पुलिस को अब तक इस बात की भनक तक नहीं थी। कैदी नंबर 52, वो तो पेरोल पे है, 6 महीने थे। क्या? पेरोल पे? पायल के पिता जब पठान की डिटेल्स निकलवाने के लिए जेल अधिकारी से मिले, तब पुलिस की एक कोताही सामने आई। पायल के पिता ने मीडिया में गुहार लगाई, पुलिस की यह लापरवाही अखबारों की सुर्खियां बटोरने लगी और पायल के वकील ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में भी अपील की। आए मैडम, एक मिनट। माफ करना जनाब, पिछली बार मेरी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आपकी जान खतरे में पड़ गई थी, लेकिन उस गोली पर इरफान भट्ट का नाम लिखा था। इरफान भट्ट? हाँ जनाब, सब पता किया मैंने। इरफान भट्ट के कितने दोस्त हैं कितने दुश्मन हैं उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ पे हम नईम भट्ट के लिए आए। ये देखिए, 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ है जनाब, नाम बदल कर काम कर रहा है। आजकल कहाँ है? बारामूला में जनाब। बारामूला? वलसाई ब्रदर, मैं छुसा खुशखबरी चौने खातिर वलसाई ओर। आ बोलो, क्या काम है हमारे लिए? वलसाई, देखो सिर्फ तुम्हारे लिए काम नहीं है, बहुत से भाइयों के लिए काम है। मोबाइल कंपनी है ये वाला, इधर टावर लगाएगा, कुछ महीने काम चलेगा, 700 रुपए तनख्वाह, 2 वक्त का खाना और शाम का चाय भी इधर ही मिलेगा। कंपनी को काम जल्दी खत्म करना है, इसलिए ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो ज्यादा से ज्यादा भाइयों को बताओ। लोटस ब्रदर, 52 बेनफा। वो देखिए सर, पीछे अपने, ये वही है, वही है। पकड़ लें इसको, अब आए तो इसको लेकर तो जाएंगे, बस थोड़ा सब्र करो। खुशखबरी चौने खातिर, तो छुपाए, ये जो मोबाइल टावर कंपनी है हमारी किस्मत बदलने वाली है, इसीलिए ये हमको पर डे का 2000 दे रही है। इधर आके अपना अपना नाम लिखवाओ, नाम लिखवाओ, फटाफट नाम लिखवाओ। अरे ब्रदर, तुम काहे को रुके, इधर आओ। अरे हमारा बहुत अच्छा कंपनी है, आ जाओ ब्रदर, आ जाओ। हम तुम्हारा भी नाम लिख दिया ना, हाँ। आ जाओ, हम तुम्हारा भी कार्ड बनवाएगा। तुमको अच्छा पगार मिलेगा, ये अच्छा पगार है ब्रदर, ठंडी बहुत हो रहा है, बैठो गाड़ी में, बैठो फटाफट, हट, आपको पहले कहीं देखा है? कौन हो जनाब? और सटे नईम भट्ट और अहमद पठान। ये जन्नत तेरे जैसे शैतान के लिए नहीं, इसलिए तुझे घसीट कर यहां से निकालने के लिए आए। चलो। बहुत देर कर दी जनाब आते आते, हमको मालूम था एक न एक दिन जरूर पकड़ोगे, पर पिछले टाइम से ज्यादा परेशान किया आपको।
कितनी बार कहूं जनाब आपको, अभिजीत ने ही मुझे फोन करके उस पायल को मारने के लिए कहा था। हमने सब पता लगा लिया। अभिजीत ने कभी तुझे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उसने कभी तुझे फोन किया। अब बोल। तो पता चल गया जनाब आपको, हमने सोचा हम अकेला क्यों फंसे, इसलिए उस मजनू को भी ले फंसा। सबसे पहले मैंने सीसीटीवी का वायर काटा। उस दिन अभिजीत देर रात तक नहीं लौटा था जनाब, अच्छा मौका था। फिर मैंने मैडम के घर का मेन स्विच ऑफ किया और मैडम का फोन का वेट करने लगा। हेलो, मैं 203 से बोल रही हूँ, मेरे घर की लाइट चली गई है, आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला देंगे क्या? पहली बार बिजली गुल किया तब मैं चाबी लेने में नाकामयाब रहा जना, इसलिए दोबारा बिजली गुल करनी पड़ी। क्या भैया, बार बार लाइट जा रही है। तीसरे माले में 303 नंबर की फ्लैट खाली थी जनाब, उसी में छुपा दी। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? ओ भैया, नजर अपनी ना गेट पे रखिए। आपको गलत फहमी में होगी। मैं देखो जुबान मत लड़ा, बदतमीज कहीं के। थोड़ा सा उसके बदन को देख लिया तो इसका बदन घिस गया। एक औरत होकर आदमी का सुनाती है, उसकी बातें अंगार की तरह चुभ रही थी, इसलिए हमने तय कर लिया कि हम उसके गुरूर को तोड़ के रहेगा। इस केस ने सुरक्षा नियमों और पैरोल सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए थे। इस केस के बाद ही सुरक्षा कर्मियों और डोमेस्टिक हेल्प्स की भर्ती के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की गई। सिक्योरिटी एजेंसीज को जवाबदेह बनाने के लिए एड्रेस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेकिंग को अनिवार्य किया गया और साथ ही रेप और मर्डर जैसे संगीन अपराधों से जुड़े कैदियों को परोल ना देने का फैसला लिया गया। ये प्रावधान भी पारित किया गया कि अगर किसी असाधारण स्थिति में किसी अपराधी को परोल पर छोड़ा जाए तो उसकी अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है और पुलिस उन पर कड़ी निगरानी रखेगी। पायल के परिवार को अपनी बेटी की कमी हमेशा खलेगी, पर शायद उन्हें इस बात की तसल्ली भी होगी कि पायल का केस वो जरिया बना जिसने सुरक्षा के नियमों में मौजूद खामियों को उजागर किया और उनमें परिवर्तन भी लाया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।